हेलो बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। तो देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अगर हम बात करें तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसका क्या मतलब होता है, पहले हम वो समझ लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब होता है एक तरीके से गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी, यानी कि गवर्नमेंट क्या होती है, अपने पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में हमारे कुछ लक्ष्य हैं और उन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, उन टारगेट्स को पाने के लिए गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी पड़ती है। तो ये जो पॉलिसी होती है ये बेसिकली फोकस करती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। हालांकि इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है पूरी की पूरी इकोनॉमी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस पर लेके आना, लेकिन बेसिकली ये जो फोकस एरिया होता है इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं, इसके अंदर होता है पूरा का पूरा प्रोसीजर्स जिसके थ्रू आप डेवलपमेंट को पाओगे, इसके अलावा सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो इंसेंटिव्स होते हैं, पनिशमेंट्स, टैरिफ पॉलिसी, लेबर पॉलिसी, एफडीआई पॉलिसी, यानी कि इन सब की जानकारी जो है या इन सब के बारे में इंडस्ट्रियल पॉलिसी में फोकस किया जाता है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो किसी भी देश को डेवलप करने के लिए, खास तौर पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट अपनी रणनीति बनाती है, पॉलिसी बनाती है, उसी को हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोलते हैं। और इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स में प्रोसीजर, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, रूल्स रेगुलेशंस, इंसेंटिव, पनिशमेंट, टैरिफ पॉलिसी, लेबर पॉलिसी, एफडीआई पॉलिसी, सभी के बारे में सरकार का जो व्यू है वो हमें जानकारी उसके बारे में मिलती है उस पॉलिसी से। तो बच्चों इंडिया में कई सारी पॉलिसीज आई हैं, जैसे 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसके अलावा 1977, 1980 और 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो ये सारी की सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में हम आपको समझाएंगे अलग अलग वीडियो में बना के। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि किसी भी देश को इंडस्ट्रियल पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो बच्चों इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसी भी देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हर देश के पास, खासतौर पे भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में, जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, और इस लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको एक ऐसी प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है जिससे कि आप सही तरीके से डेवलपमेंट कर सकें। इसके अलावा बच्चों भारत जैसे देश में जहाँ पे साइज ऑफ मार्केट जो है वो इनकम कम होने की वजह से कम है। अब देखिए, साइज ऑफ मार्केट जो है वो पॉपुलेशन तो इंडिया में ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास में पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद भी क्योंकि इनकम का लेवल कम है इसलिए कंजम्पशन का लेवल कम है, तो साइज ऑफ मार्केट कम है। उस साइज ऑफ मार्केट में आप किस तरीके की पॉलिसी बनाओगे, इसके लिए हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जरूरत होती है। साथ ही साथ हमें प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करना होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसके अलावा बच्चों प्राइवेट सेक्टर इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो अकेले दम पे डेवलपमेंट कर सके, तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर किस तरीके से एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, इस सब की जानकारी हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी से होती है, इसलिए हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने की जरूरत होती है। इसी के साथ साथ देखिए, एफडीआई का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी देश के डेवलपमेंट करने में। तो गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाएगी, क्या वो एफडीआई को प्रमोट करेगी, कितने परसेंट तक करेगी, कहाँ किस सेक्टर में करेगी, इन सब की एक ब्रॉड जानकारी हमें होनी चाहिए, इसलिए हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने की जरूरत होती है। तो बच्चों कोई भी देश इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाता है, खासतौर पे हम यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया की बात करेंगे, तो इंडिया में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाती है बेसिकली वो इसलिए बनाई जाती है ताकि जो सस्टेन ग्रोथ है उसको अचीव किया जा सके। इसके अलावा बच्चों आप जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सको, इसके अलावा आपके जो रिसोर्सेज हैं खासतौर पे ह्यूमन रिसोर्सेज और कैपिटल रिसोर्सेज की भी हम बात कर सकते हैं इसमें, उनको आप पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सको, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है इसका। इसके अलावा बच्चों इंटरनेशनल कंपटीशन है, जैसा कि आप जानते हो कि इंटरनेशनल कंपटीशन है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन को लगातार बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। इसके अलावा बच्चों भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, ग्लोबल जो रोल है उसका, उसको इंक्रीज करने के लिए भी आपको, यानी कि आपका रोल क्या होगा पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में या पूरे के पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, उसके लिए भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने की जरूरत होती है। तो ये हमारे कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव है बच्चों। अगली वीडियो से हम आपको ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, यानी कि 1948, 56, 77, 88 और 1991 की, इनको समझाना शुरू करेंगे। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।